हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बिलियन यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो में अंत तक बन रहे और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देखिए, बिलियन चैप्टर में जितने भी छोटे से बड़े टॉपिक आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो पर कम्प्लीट यहाँ इस चैप्टर की यहाँ पर जानकारी लेकर के जाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉल्यूशन यानी कि बिलियन क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझेंगे अच्छे तरीके से, साथ में इसके जितने भी एग्जाम्पल उदाहरण बनेंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, बिलियन यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशंस, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बिलियन बोलते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे आपका हो गया जल और नमक का बिलियन। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन को समझने से पहले यहाँ पे देख आया एक टर्म जिसका नाम है समांगी मिश्रण। तो हम समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या चीज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आपने छोटे क्लासों में समझे होंगे कि मिश्रण दो टाइप का होता है। एक आपका होता है समांगी मिश्रण और जो आपका दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। तो यहाँ पर बात आया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे मिश्रण को दो पार्ट में डिवाइड किए, समांगी मिश्रण और सेकेंड आपका विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पे देखिए, समांगी मिश्रण कौन सा होगा, जिससे आपका यहाँ पे देखिए एक जार रखा हुआ है, ठीक ना। इस जार रखा हुआ है और इस जार में आपका वाटर यानी कि पानी यानी कि जल भरा हुआ है, जल। और इसी जल में क्या करेंगे आप, मान लीजिए थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक। तो देखिए, ये जल है, ठीक है, एक जार है और जार में जल भरा हुआ है और इसी जल में आप थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो एक ये मिश्रण बन जाएगा, ठीक, ये एक मिश्रण बन जाएगा। और कैसा मिश्रण बनेगा, वो बनेगा समांगी मिश्रण। तो आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि समांगी ही मिश्रण क्यों बनेगा, विषमांगी क्यों नहीं बनेगा। तो देखिए, समांगी मिश्रण इसलिए बनेगा कि इसके अगर हर एक पॉइंट पर, ठीक ना, इसके अगर किसी भी पॉइंट को अगर आप जल में पड़े हुए नमक को या पूरे मिश्रण को आप मतलब कि टेस्ट करेंगे तो सबका टेस्ट एक समान आएगा। सबका टेस्ट यानी कि टेस्ट कैसा आएगा, एक समान आएगा। तो जिसका अगर टेस्ट एक समान आएगा तो उस हम मिश्रण को बोलेंगे कैसा मिश्रण, तो समांगी मिश्रण, समझ गए। लेकिन विषमांगी मिश्रण में टेस्ट ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए उसे विषमांगी बोलते हैं। तो इसलिए बोला क्या है डेफिनेशन में, बिलियन का डेफिनेशन यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन बोलते हैं। समझ गए समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे आपका जल और नमक का बिलियन, ठीक है। अब हम समझेंगे कि बिलियन के कितने घटक होते हैं, ठीक है। तो बिलियन के प्रायः दो घटक होते हैं, कौन कौन सा, तो यहाँ पर समझिए। एक पहला आपका आता है विलेय और जो सेकेंड आपका आता है विलायक। विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं और यहाँ पे विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था जल और नमक का बिलियन घोल, ठीक है, सॉल्यूशन लिया था। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे चीज़ ज़्यादा है, देखिए एक जार है और जार में आपका जल भरा हुआ है तो जल को हम बोलेंगे विलायक, जल को हम क्या बोलेंगे, विलायक। और यहाँ पर नमक को हम बोलेंगे विलेय। अभी दोनों का डिफिनेशन भी आपको बताने वाले हैं कि विलाय किसे बोलते हैं और विलेय किसे बोलते हैं। विलाय की परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक ना, हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन विलेय की परसेंटेज हमेशा कम होती है सॉल्यूशन में। किसी भी सॉल्यूशन में विलाय की परसेंटेज ज़्यादा होती है और विलेय की परसेंटेज कम होती है, ठीक है। विलाय की प्रॉपर्टीज ये होती है कि किसी भी बिलियन में विलायक जो होता है विलेय को अपने में समाहित कर लेता है। यहाँ पे देखिए, उदाहरण जो आपका नमक और जल का घोल दिया गया है, यहाँ पे बिलियन बनाया गया है, तो जल में नमक हमेशा क्या हो गया, तो समाहित हो गया यानी कि विलेय हो गया है, ठीक, विलीन हो गया है। तो जो तत्व चाहे जो चीज़ किसी भी विलायक में विलीन हो जाता है उस चीज़ को हम बोलते हैं विलेय, ठीक ना। और मिश्रण में जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं विलायक,
ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, विलयन के घटक दो होते हैं, सबसे पहले आपका सॉल्यूट यानी कि विलेय आता है और सेकंड नंबर पे आपका विलायक यानी कि सॉल्वेंट आता है। अब बारी बारी समझते हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, विलेय यानी कि सॉल्यूट, तो विलयन के वे घटक जो दूसरे घटक में विलीन हुए रहते हैं विलेय कहलाते हैं। मैंने बताया ना यहाँ पे दूसरे घटक, यहाँ पे देखिए किसी भी यहाँ पे एक विलयन है जिसके दो घटक, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जल और यहाँ पे नमक, तो इसका फर्स्ट से अगर मान लेते हैं, अगर इसका जल घटक है ठीक ना, फर्स्ट घटक, और इसका सेकंड घटक नमक है, तो विलेय क्या होता है, फर्स्ट घटक में हमेशा क्या होगा, विलीन हुआ रहेगा ठीक ना, हमेशा उसी में मिश्रित हुआ रहेगा। तो विलयन के वे घटक जो दूसरे घटक में विलीन हुए रहते हैं विलेय कहलाते हैं। जैसे नमक और जल के घोल में या विलयन में नमक आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट यानी कि विलेय हो जाएगा। मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले ही बता दिया हूँ कि जल और नमक के घोल में आपका जो होगा नमक जो होगा आपका विलेय हो जाएगा और आपका जल जो होगा विलायक हो जाएगा। अब समझेंगे कि विलायक क्या होता है यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक ना। तो विलयन में जिस घटक की मूल अवस्था विलयन जैसी होती है विलायक कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका मिश्रण हो गया, विलयन हो गया, तो विलयन जैसी इसकी अवस्था रहेगी यानी कि पूरा देखिए इसमें, अगर मान लीजिए कि ये एक लीटर वाटर है यानी कि जल है, और इसी एक लीटर वाटर में अगर आप दो चम्मच जल मिला देंगे, तो ये देखिए मान लीजिए कि 99% है ठीक है, और 1% आपने क्या कर दिया, तो नमक मिला दिया, तो पूरा अगर चीज़ की मैं बात करूँ तो पूरा चीज़ एक बिलियन की टाइप का दिखेगा और जल भी एक बिलियन के टाइप दिखेगा। तो जिसकी अवस्था बिलियन के जैसी होती है उस चीज़ को हम बोलते हैं विलायक, ठीक ना, यानी कि सॉल्वेंट। जैसे आपका एग्जांपल में मैंने लिया था नमक और जल के बिलियन में, जल आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और नमक आपका सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायकों के प्रकार, कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक ना। तो 9 प्रकार के होते हैं, देखिए विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक आपके 9 प्रकार के होते हैं, और 9 प्रकार के कैसे कैसे बनेंगे आइए उसे समझते हैं, ठीक। केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ों को रटना नहीं है, ठीक ना, समझना है। देखिए सबसे पहले आपका ठोस और ठोस का विलयन हो जाएगा। जैसे देखिए ये विलयन कैसे बनेगा, ठोस और ठोस, जैसे मान लीजिए अगर आप मिट्टी में आप मान लीजिए नमक मिला दिए, तो मिट्टी भी क्या है, एक ठोस है, और नमक भी क्या है, एक ठोस है, चाहे आप चीनी मिला दीजिए, ठीक ना। तो ये ठोस और ठोस का ये विलयन बन जाएगा, ठीक ना। जिसे आपका सेकंड नंबर पे आता है ठोस और गैस का विलयन, ठोस और द्रव का विलयन, द्रव और द्रव का विलयन, द्रव और ठोस का विलयन, द्रव और गैस का विलयन, गैस और गैस का विलयन, और गैस और द्रव का विलयन, गैस और ठोस का विलयन। तो ये पूरे 9 प्रकार के आपके सॉल्यूट यानी कि सॉल्वेंट हो गए, ठीक ना। तो 9 प्रकार के आपको याद होने चाहिए, ठोस ठोस का, ठोस गैस का, ठोस द्रव का, द्रव द्रव का, देखिए आपस में तीनों इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तनु विलयन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या चीज़ होते हैं। तो जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाती है, यानी कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाती है। जिस यहाँ पे देखिए अभी आप सांद्रता को बस आप अभी एक्सटेंड करिए, ठीक ना, ऐसे समझ लीजिए कि सांद्रता मतलब अभी आगे बताने वाला हूँ सांद्रता क्या चीज़ होती है और इसकी किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, ठीक ना। तो जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब यहाँ पे सांद्र विलयन क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि विलेय की सांद्रता कम होगी तो तनु हो जाएगा और विलेय की सांद्रता अधिक होगी तो सांद्र विलयन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि संतृप्त विलयन यानी कि सेचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या चीज़ होते हैं। तो जिस विलयन में विलेय की आवश्यकता से संतृप्त विलयन, कि जिस विलयन में विलेय की आवश्यक मात्रा उपस्थित हो उसे संतृप्त विलयन बोलते हैं। देखिए जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे मैंने नमक और जल का मिश्रण लिया था, ठीक ना,
तो विलेय की मात्रा संतृप्त होने का मतलब कि जितना चीज़ मिलाया गया है ठीक ना उसमें घुलित हो गया है, मिश्रण हो गया है। ऐसा नहीं कि मतलब कि मान लीजिए कि जल और नमक का जल एक चम्मच मिला दिए, नमक चार चम्मच मिला दिए, तो मतलब कि सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मतलब कि ऐसा चीज़ का मिश्रण बनाना है जिसमें जल नमक को समाहित कर ले, घुला ले अपने में, ठीक ना। उसकी मात्रा को हम बोलते हैं मतलब कि संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि असंतृप्त विलयन क्या चीज़ होता है। तो जिस विलयन में विलेय की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा उपस्थित होती है असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक ना। किसी विलयन में विलेय की आवश्यक मात्रा, आवश्यक मात्रा कहने का मतलब यह है कि जितना चीज़ें उसमें शामिल हो सके उससे कम ही होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलायकों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, यानी कि विलायकों की सांद्रता कैसे हम व्यक्त करते हैं कि इसके कितनी विधियाँ हैं। तो हम दो भागों में इसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले भौतिक यूनिटों में देखेंगे ठीक ना, उसके बाद हम रासायनिक यूनिटों में देखेंगे ठीक ना। यहाँ पे देखिए रासायनिक यूनिटों में देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे भौतिक यूनिटों में देखेंगे ठीक ना। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि भौतिक यूनिटों में विलायकों की सांद्रता कैसे व्यक्त किया जाता है ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए विलयन की भार प्रतिशतता, ये यहाँ पे चार आपके फार्मूले दिए गए हैं कि विलयन की भार प्रतिशतता आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि विलेय का भार वेट निकाल लेना है ग्राम में, उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है विलयन का भार से, वो भी ग्राम में होना चाहिए, और अगर आप परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विलयन की भार प्रतिशतता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि विलयन का भार प्रतिशतता इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 100। इसी तरह यहाँ पे विलयन की आयतन प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, तो विलेय का आयतन, यहाँ पे भार था तो भार से गुणा होगा भाग होगा, यहाँ पे आयतन परसेंटेज निकालेंगे तो विलेय का भार आयतन यानी कि ml में अपान विलयन का आयतन ml में इंटू 100 कर देंगे। बहुत आसान फार्मूले हैं, बस आपको ट्रिक से याद करना है ठीक ना। यहाँ पे केमिस्ट्री को रटना नहीं है, याद करना है ठीक ना, केमिस्ट्री को समझना है। अब यहाँ पे देखिए भार आयतन प्रतिशतता, तो विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन ml में इंटू 100 कर देंगे ठीक ना। यहाँ पे देखिए ppm में सांद्रता, तो ppm में सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का भार ग्राम में इंटू 10^6 हो जाएगा, आपका सांद्रता निकल के आ जाएगी। इसी तरह हम देखेंगे कि रासायनिक यूनिटों में विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालते हैं ठीक। तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो विलेय का भार ग्राम में अपान विलयन का आयतन लीटर में ठीक ना। यहाँ पे देखिए विलयन की मोलरता, बहुत बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है विलयन की मोलरता से, कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अभी एक दो न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में करवाएंगे भी ठीक ना। तो विलयन की मोलरता कैसे निकालेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन की आयतन लीटर में, या अभी आपने निकाला मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विलेय का भार अपान में विलेय का अणुभार, ये मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी, अपान में विलयन का आयतन लीटर में ठीक ना। अगला आपका टॉपिक ये है कि विलयन की निर्मलता का फार्मूला क्या है, तो विलेय में तुल्यांकों की संख्या अपान में विलयन का आयतन लीटर में, या तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो भार अपान तुल्यांकी भार अपान में विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे अगला टॉपिक ये है कि विलयन की मोलरता कैसे निकालते हैं, तो विलयन के मोलों की संख्या अपान विलायक की भार केजी में ठीक ना। यहाँ पे देखिए पांचवा ये टॉपिक है, पॉइंट है आपका मोल प्रभाज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विलेय का मोल प्रभाज, उसके बाद निकालेंगे विलाय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला ये होता है स्मॉल एन अपान में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ एन क्या है आपका डब्लू अपान एम ठीक ना। यहाँ पे देखिए विलाय का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ पे कैपिटल एन का मतलब कि डब्लू अपान एम, डब्लू आपका वेट हो जाएगा ठीक ना। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आपका कि तुल्यांकी भार की गणना आप कैसे करेंगे। तो देखिए तुल्यांकी भार हम निकालेंगे कैसे, तो इसके यहाँ पे तीन चार यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो अम्ल का अणुभार अपान में विस्थापित H+ आयनों की संख्या
ठीक ना। यही आप अगर क्षार का तुल्यांकी भार निकालना चाहेंगे तो क्षार का अणु भार जितना होगा उसमें हम अम्लीयता यानी OH- की हम संख्या से डिवाइड कर देंगे। अब लवण का निकाल लेते हैं, तो लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो लवण का लवण भार अपान में धनायनों का या ऋणायनों की संख्या, ठीक ना। और यहाँ पे आयन की तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो आयन का आयन भार अपान में आवेशों की संख्या, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है परासरण, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये परासरण यानी कि ऑस्मोटिक। कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ टॉपिक है कि परासरण और विसरण में अंतर क्या है, यानी कि ऑस्मोटिक एंड डिफ्यूजन क्या चीज़ होते हैं या डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक एंड डिफ्यूजन, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं, तो सारे चीज़ों का डिटेल्स इसी वीडियो में अभी तुरंत मिल जाएगा। तो देखिए परासरण यानी कि ऑस्मोटिक क्या चीज़ होता है, तो तनु विलयन के कणों का सांत्र विलयन की ओर स्वतः गमन को परासरण कहते हैं। तनु विलयन के कणों का सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन को हम बोलते हैं क्या, तो परासरण यानी कि ऑस्मोटिक। इसी के उल्टा आपका डिफ्यूजन यानी कि विसरण होता है। सांत्र विलयन के कणों का तनु विलयन की ओर स्वतः गमन को विसरण बोलते हैं। देखिए ये एक डायग्राम समझिए, डायग्राम से तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा तनु विलयन और ये आपका हो जाएगा सांद्र विलयन, ठीक ना। अगर कोई भी विलयन तनु विलयन से सांद्र विलयन में अपने आप बिना किसी फोर्स लगाए अगर गमन करता है तो उसे हम बोलते हैं परासरण। लेकिन यही बात अगर उल्टा हो जाए यानी कि सांद्र विलयन से तनु विलयन में स्वतः ही गमन करे तो इसे हम बोलते हैं विसरण यानी कि डिफ्यूजन। जैसे आपका ये देखिए चने का जल में फूल जाना, ठीक है। तो चना तो अब आराम से अपने स्थान पर रहता है लेकिन जल उसमें क्या हो जाता है, तो घुस जाता है, एंटर कर जाता है। जैसे आपके पौधे की जड़ों से पत्तियों तक गमन कर जाना, ठीक है। यानी कि पौधों की जड़ें जो होती है, पौधों की या जड़ें से पत्तियों तक गमन कर जाना, ठीक ना। जो भी यहाँ पे पानी होते हैं, सिंचाई करते हैं आप, पानी अगर आप जड़ में देते हैं तो पानी उसके पत्तियों तक पहुँच जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए, अभी समझाऊंगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या चीज़ होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब को विलयन का परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि अगर कोई भी किसी भी विलयन में, ठीक ना, विलायक को प्रवेश को रोकना है, ठीक ना, विलायक के प्रवेश को रोकना है, तो एक झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। वो अगर झिल्ली से अगर पार कर जाएगा, ठीक है, चाहे रोकेगा, तो एक ऐसा प्रेशर होता है जो उसे रोकता है, तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं परासरण दाब। यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। देखिए इसे मान लीजिए यहाँ पे, इसे अगर आप टॉनिक की शीशी देखते हैं, उसे हम कोलाइडी विलयन के नाम से जानते हैं। तो ये मान लीजिए टॉनिक की शीशी है, ठीक ना। तो इसमें एक कोलाइडी विलयन भरा जाता है, ठीक ना। कोलाइडी विलयन वो जो भी आपकी टॉनिक की शीशी होती है या सिरप जितने भी होते हैं कोलाइडी विलयन आते हैं। तो अगर आप इस लिक्विड को अगर आप अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर पार कराएंगे तो इसके जितने भी सॉल्वेंट होंगे वो पार नहीं हो पाएंगे। तो जो भी प्रेशर इस झिल्ली पे लगेगा उस प्रेशर को हम बोलेंगे परासरण दाब, ठीक ना। उस हम प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर। और यही झिल्ली, ये जो झिल्ली है जो इस लिक्विड को पार नहीं होने देती है, इसी झिल्ली को हम बोलते हैं क्या, तो अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब कि आधा ही पार करने दे या ना होने दे, ठीक ना। इससे आप देखिए कि वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के कणों या अणुओं को अपने से होकर आर पार जाने देते हैं उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप बकरे के आमाशय को अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराएंगे तो मात्र केवल उसके विलायक ही पार होंगे, विलेय उसके पार नहीं होंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अंडे की झिल्लियाँ, ये सब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं।
कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली एक सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली है। देखिए वैज्ञानिकों के द्वारा ये बनाई गई झिल्ली है जो कि कापर फेरोसाइनाइड की बनी होती है झिल्ली, ठीक ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं टॉपिक आपका जो कि बिलियन से रिलेटेड ही है, आपका सम परासारी बिलियन। तीन टाइप के बिलियन को अभी डिस्कस करने वाले हैं, सम परासारी बिलियन, अति परासारी बिलियन और अल्प परासारी बिलियन, ठीक ना। एग्जाम में दो दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम परासारी बिलियन क्या चीज़ होता है। तो समान ताप पर यानी कि सेम टेम्परेचर पर जिन बिलियनों के परासरण दाब समान होते हैं सम परासारी बिलियन कहलाते हैं, ठीक ना। क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में कि समान ताप पर जिन बिलियनों के परासरण दाब समान होते हैं सम परासारी बिलियन कहलाते हैं, या समान ताप पर दो सम परासारी बिलियन को एक दूसरे से अर्धपरागमीय झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रभाव किसी दिशा में नहीं होता है, ठीक ना। उसे हम बोलते हैं सम परासारी बिलियन। आगे समझ लेते हैं कि अति परासारी बिलियन क्या होता है। तो समान ताप पर दो बिलियनों में जिस बिलियन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम बोलते हैं अति परासारी बिलियन। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपका यहाँ पे एक सिरप का बताया और यहाँ पे एक टॉनिक का भी एग्जांपल दिया था, तो इन दोनों लिक्विड में इन दोनों बिलियनों में जिस बिलियन का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक ना, उसे हम बोलेंगे अति परासारी बिलियन, ठीक ना। जिस बिलियनों का परासरण दाब अधिक होगा उसे हम बोलेंगे क्या, तो अति परासारी बिलियन। और अल्प परासारी बिलियन क्या होते हैं कि जिन बिलियनों के परासरण दाब अपेक्षाकृत कम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्प परासारी बिलियन। जैसे यहाँ पे समझिए, मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक ना, और ये आपका सिरप की बोतल है। तो सिरप की बोतल में जाहिर सी बात है कि परासरण दाब ज़्यादा होंगे, ठीक ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें प्रेशर कम होंगे, ठीक ना। तो इस वाले को अपेक्षाकृत इसको हम बोलेंगे अति परासारी बिलियन, इसको अति परासारी बिलियन, और इस वाले को बोलेंगे हम अल्प परासारी बिलियन, इसको हम बोलेंगे अल्प परासारी बिलियन, ठीक ना, और इसको बोलेंगे अति परासारी बिलियन, ठीक ना, समझ गए। और यहाँ पे एक और नोट समझ लीजिए कि परासरण दाब सदैव अल्प परासारी बिलियन से अति परासारी बिलियन की ओर ही होता है। जो भी आपके ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो हमेशा अल्प परासारी बिलियन से होकर के अति परासारी बिलियन की ओर ही होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के नियम दिए गए हैं, दो नियम हैं, दो वैज्ञानिक अलग अलग अपना नियम दिए हैं, ठीक ना, जो कि परासरण दाब के नियम कहलाते हैं। वैज्ञानिक वानठाप भी दिए हैं, ठीक ना, कि वैज्ञानिक वानठाप ने विद्युत अनपघट्यों के लिए परासरण दाब के लिए जो नियम दिए हैं वो यहाँ पे है, से बायल वानठाप नियम और यहाँ पे चार्ल्स वानठाप नियम, ठीक ना। तो बायल वानठाप नियम बायल पे आधारित है और चार्ल्स वानठाप नियम चार्ल्स के नियम पे आधारित हैं। तो दोनों को बारी बारी से समझ लेते हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अभी देखेंगे, ठीक ना। तो बायल वानठाप नियम क्या बोलता है कि स्थिर ताप पर किसी बिलियन का परासरण दाब P बिलियन की सांद्रता C के समानुपाती होता है, उसे हम बोलते हैं वायल वानठाप नियम। यहाँ पे देखिए परासरण दाब, यहाँ पे P क्या है, परासरण दाब, और यह प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो कॉन्सेंट्रेंसी यानी कि सांद्रता के प्रोपोर्शनल है, वो भी किस पे, तो स्थिर ताप पर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप जानते हैं जो आपका C है 1/V के बराबर होता है, ठीक ना, या सी ऐसे बोल सकते हैं, सी जो होता है वी के मतलब कि प्रोपोर्शनल होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए तो पी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/V, यहाँ पे सी के इक्वल, सी के जगह पे आप 1/V पुट कर दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा करके कि पी इज इक्वल टू के अपन वी, दोनों को यहाँ पे समीकरण को बराबर कर लेंगे तो पी वी इज इक्वल टू के आपका निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि चार्ल्स वानठाप नियम क्या बोलता है। तो स्थिर सांद्रता पर, इसमें C आपका कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर सांद्रता पर किसी बिलियन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है,
तो पी प्रोपोर्शनल यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक ना। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि क्या बोलता है। तो वन हाफ समीकरण इसी से निकल के आएगा, तो पी वी इजकल टू एन आर टी होता है, जानते हैं सभी लोग। तो बायल हंट बायल वन हाफ नियम के अनुसार पी प्रोपोर्शनल सी हो जाएगा, ठीक ना। तो सी इजकल टू वन बाई वी, तो पी आपसे यहाँ पे सी के जगह पे आप वन बाई वी पुट कर देंगे, तो यहाँ से सीधा सीधे यहाँ पे पी वी इजकल टू के निकल के आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन वन मानिए, ठीक ना। और यहाँ पे आप अभी तुरंत समझे कि चार्ल्स वान हाफ समीकरण क्या बोलता है, तो स्थिर सांद्रता पर यहाँ पे सी कॉन्सनट्रेट हो जाएगी, तो पी प्रोपोर्शनल परम ताप, ठीक ना। जो भी आपके पराशर ताप पी होंगे परम ताप के समानुपाती होंगे, तो पी इजक्ल टू के डैश टी हो जाएगा, ठीक ना। तो पी अपान टी इजक्ल टू के डैश, इसको समीकरण सेकंड मानिए, ठीक। अब यहाँ पे दोनों समीकरण को अगर आप सॉल्व करेंगे तो पी वी अपान टी इजक्ल टू आर, जहाँ पे आर एक बिलियन स्थिरांग है, सॉल्यूशन कांस्टेंट इसे मान सकते हैं अभी के लिए, तो पी वी इजकल टू आर टी निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ कि बिलियन के अगर एन मोल उपस्थित होंगे तब क्या हो जाएगा, ये तो था आपका एक मोल के लिए, लेकिन अगर ऐसे ही अगर एन मोल उपस्थित हो जाएंगे तो पी वी इजकल टू एन आर टी यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे अभी आपने मैंने अभी पीछे बताया था एन इजकल टू डब्ल्यू बाई एम होता है, तो पी वी इजकल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि आपका यही वन हाफ समीकरण होता है। ये कई बार केमिस्ट्री में इसको मतलब कि प्रूफ करने के लिए भी आ गया है, और इस पर अभी आप न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक ना। चलिए ये देखिए, उसी पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस बिलियन चैप्टर्स जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनेंगे हम उसके लिए एक अलग वीडियो लाने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम जल में, 4 ग्राम को, एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोल कर बिलियन का आयतन 600 ml किया गया है, तो प्राप्त बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि पी आपको निकालना है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का अणुभार 182 है, एक बार और क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर बिलियन का आयतन 600 ml किया गया है, पदार्थ बिलियन का परासरण दाब पी ज्ञात करना है, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ का अणुभार 182 है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका डब्ल्यू यानी कि भार इसका 4 ग्राम दिया गया है, ठीक ना। और वी वॉल्यूम यहाँ पे आपका दिया गया है, 600 ml को लीटर में बदल दीजिए, डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए 100 से, 1000 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ml लीटर में निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो इसको आप टी से अगर परम ताप में बदलेंगे तो केल्विन में चेंज कर लीजिए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 273 जोड़ेंगे तो सीधे केल्विन में बदल के आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आर आपका यहाँ पे दिया गया है अणुभार, ठीक ना। आर जो आपका नियतांक अभी बिलियन नियतांक होता है यहाँ पे 0.0821 लीटर वायुमंडलीय दाब, ठीक ना। ये आपका आर बिलियन स्थिरांक है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया था पी वी इजकल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, तो पी इंटू वी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0.6 रख दीजिए, और डब्ल्यू की जगह पे 4 और एम के जगह पे 182 इंटू 0.0821 इंटू 273 273 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आपके इस अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.82 वायुमंडल यहाँ पे इसका निकल के आ जाएगा, आपके पी की वैल्यू वायुमंडलीय दाब, ठीक ना। तो ये तो था आपका न्यूमेरिकल। अब हम समझेंगे कि द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, ठीक ना। तो स्थिर ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है इसे समझते हैं कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ होता है उसके बारे में देख लेते हैं। कि किसी टेम्परेचर पे द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की स्थिति में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ पे देखिए समझिए, इसे मान लीजिए आपने आपके घर में सभी लोग कुकर देखे होंगे, सिटी बस्ती होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका मान लीजिए एक बंद कुकर है, ठीक ना। और बंद कुकर में ये लिक्विड यानी कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये जल जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसका सिटी अगर आप बंद नहीं करते हैं, इसे मान लीजिए कोई जार मान लीजिए, ठीक ना। तो आप और इसके ऊपर से एक ढक्कन रख दीजिए,
तो जैसे आप गर्म करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे वाष्पित पदार्थ होते हैं, लिक्विड होते हैं, इसके ऊपर रखे हुए ढक्कन में चिपक जाते हैं। और जब आप इसे उठाते हैं तो एक एक ये एक प्रेशर लगाता है ऊपर की तरफ, ठीक ना, ये एक नीचे की तरफ और यहाँ पे एक आप ऊपर लगाएंगे एक प्रेशर। तो जिस मान लीजिए एक मतलब कि साम्यावस्था में, तो जो भी इन दोनों के बीच प्रेशर होगा, ठीक ना, वही दाब, वही प्रेशर द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यहाँ पे इसी डिफिनेशन में यही लिखा गया है कि किसी दाब पर, ठीक ना, द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है और वाष्प दाब का उन्नयन क्या होता है, ठीक ना, साथ में इसी से कोरिलेट करेंगे राउल्ट के नियम को, ठीक ना। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तो किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर या टेम्परेचर देते हैं उसे आप ऊष्मा देते हैं तो गैस में नहीं बदलती है, उसे हम बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ, वो वाष्पित नहीं होती है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होती, उसे हम बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ। तो किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इससे मान लीजिए द्रव विलायक कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक ये पानी रख दीजिए, ठीक है, और पानी में जैसे मान लीजिए आप कंकड़ को रख दीजिए, तो कंकड़ कभी भी वेपर में चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो कंकड़ जैसे आप रख दिए तो क्या होगा, इस विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ये ढक्कन के ऊपर प्रेशर कम लगाएगा, ठीक ना। तो यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट एंड बिलियन का वाष्प दाब पी एस हो, तो पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब का अवनमन बताएगा। वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट और बिलियन का वाष्प दाब पी एस है, तो पी नॉट में से पी एस को माइनस कर देंगे तो वही जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो आपका वाष्प दाब का अवनमन निकल के आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट से अगर आप इस डिफरेंस को पी नॉट से यानी कि विलायक के वाष्प दाब से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन निकल के आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इसी चीज़ से हम को रिलेट करेंगे राउल्ट के नियम को। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बिलियन में विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। अब अभी मैंने बताया कि मोल प्रभास को का सूत्र क्या होता है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये तो था आपका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, ठीक ना। ये आपका क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और ये आपका है मोल प्रभास का सूत्र, ठीक ना। तो विलेय के मोल प्रभास, विलेय का जब होगा तो स्मॉल एन ऊपर रहेगा और स्मॉल एन और कैपिटल एन से डिवाइड होगा, और यहीं आप निकलेगा बिलियन का तो कैपिटल एन ऊपर हो जाएगा और स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन नीचे होगा, ठीक ना। तो यही आपका राउल्ट का नियम बोलता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बिलियन में विलेय के मूल प्रभास के बराबर होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं राउल्ट के नियम की। तो राउल्ट के नियम की लिमिटेशन क्या बोलती है, कि राउल्ट का नियम अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु बिलियन पर लागू होता है। जितने भी यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे उसी पे ये लागू होगा। राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, पानी में अगर आप कंकड़ डालेंगे या मिट्टी डालेंगे तो वो रासायनिक केमिकल रिएक्शंस नहीं करेंगे, तो राउल्ट का नियम केवल उसी विलयन और यहाँ पे उसी विलयन पे लागू करेगा, ठीक ना। कंकड़ डालने का मतलब आप यहाँ पे बालू भी डाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कि विद्युत अपघट्यों के बिलियन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्य जैसे मान लीजिए आपका NaCl जैसे हो गया, ये सब क्या है, विद्युत अपघट्य के एग्जांपल है, ठीक ना। तो उस पर ये आपका नियम काम नहीं करेगा। जो पदार्थ बिलियनों में संगुणित हो जाते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। संगुणित का मतलब कि घुल जाते हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है। जैसे नमक और जल के बिलियन में ये राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिलियन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्या बोल रहा है, कि बिलियन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर
क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक टी नॉट तथा विलयन का क्वथनांक टी हो तो इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिए, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्वथनांक का उन्नयन। जैसे आप इसे एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा टी बी, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू आपका क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, ये बराबर होता है। वाष्प दाब का अवनमन इज इक्वल टू क्वथनांक का उन्नयन, तो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। अब यहाँ पे चीज़ देख लेते हैं कि पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू डेल्टा टी बी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कि पी नॉट माइनस पी एस जो था आपका विलय के मूल प्रभास के प्रोपोर्शनल था, समानुपाती था, और टी माइनस टी नॉट जो कि आपका विलय के मूल प्रभास के ये भी समानुपाती ही था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा टी बी ये भी क्या हो जाएगा, तो विलय के मूल प्रभास के समानुपाती होगा। अतः हम बोल सकते हैं कि क्वथनांक का जो आपका उन्नयन एक अणुसंख्या गुण है, ठीक ना। एक क्या है, एक अणुसंख्य गुण है। अब समझते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन और मोलता में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन क्वथनांक का उन्नयन एंड मोलता, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मोलता को m से यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल यहाँ पे समानुपाती होगा स्मॉल m के, जो कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी। के बी क्या है, तो मोलता गुणांक होगा, ठीक ना, मोलर उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे समझिए क्वथनांक उन्नयन से अणुभार की गणना आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया, स्मॉल m इजिकल टू 1000 के बी डब्ल्यू अपान डेल्टा टी बी डब्ल्यू। ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर एक न्यूमेरिकल अभी देखेंगे तुरंत, ठीक ना। अभी एक इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहाँ पे स्मॉल क्या है, स्मॉल m क्या है, अणुभार है, के बी क्या है, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक है, डब्ल्यू क्या है, तो विलय का भार है, डेल्टा टी बी मैंने अभी तुरंत बताया क्वथनांक उन्नयन है, और कैपिटल डब्ल्यू विलय का भार है, ठीक ना। जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दी गई है सारा यहाँ पे लिखी गई है, ठीक ना। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम H2O में घुला हुआ है, उसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पदार्थ की अणुभार की गणना करना है। अणुभार मतलब स्मॉल m निकालना है। तो सबसे पहले जितनी भी चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में उसको पहले हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो स्मॉल यहाँ पे w का वैल्यू यहाँ पे 6 ग्राम लिखा गया है, सबसे पहले ही लिखा गया 6 ग्राम, ठीक। कैपिटल w का यहाँ पे मान लिखा गया 1000 ग्राम, ठीक ना। टी नाट की वैल्यू यहाँ पे 100 आप मान लीजिए, 0.51 को मत लीजिए, टी नाट की वैल्यू यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे टी नाट की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, ठीक ना, और टी की वैल्यू 100.51 रखेंगे, ठीक। तो डेल्टा टी बी जो कि टी माइनस टी नाट के बराबर होता है, तो इसमें से टी नाट में से टी माइनस टी में से टी नाट को माइनस कर देंगे तो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड इसका निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए के बी, के बी की वैल्यू इसमें नहीं दिया है, लेकिन के बी की वैल्यू आप यहाँ पे आपके पेपर में दिया गया होगा, ठीक ना, दिया रहेगा। तो यहाँ पे के बी की वैल्यू जो होती है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल, ठीक ना, प्रति मोलल। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल m इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 100 के बी डब्ल्यू अपान में डेल्टा टी बी डब्ल्यू, सारी चीज़ों के यहाँ पे मान पुट कर देंगे, तो 1000 गुणे के बी की वैल्यू 0.51, डब्ल्यू की वैल्यू 6, और यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.51, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100। सॉल्व कर देंगे यहाँ पे आपका स्मॉल m यानी कि अणुभार की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 60। तो फ्रेंड्स आइए अब हम समझते हैं कि मोलर उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होते हैं, दोनों को बारी बारी से समझते हैं। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक, एक केजी विलायक में यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनाभघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, से मान लीजिए एक ये जार है, ठीक ना, कोई बर्तन है, और इस बर्तन में किसी भी चीज़ के यहाँ पे विलयन बनाया गया है। तो आप जानते हैं कि विलयन कैसे बनता है, समांगी मिश्रण का। तो समांगी मिश्रण यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ का बनेगा, तो एक होगा आपका विलायक, ठीक ना। विलायक जानते हैं कि पूरा विलयन के जैसा होता है, और जो आपका सेकंड होता है वो होता है विलेय, ठीक ना।
ये आपका हो जाएगा विलेय, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये पानी और नमक का घोल हो गया, तो पानी इसमें आपका विलायक हो जाएगा और नमक आपका विलेय हो जाएगा, ठीक ना। तब यहाँ पे देखिए, इसमें आपके डेफिनेशन के अनुसार बोला जा रहा है कि 1 kg विलायक में, तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को आप देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे, तो इसमें विलायक की मात्रा 1 kg है, कितनी है 1 kg, और 1 kg में, ठीक ना, किसी अवाष्पशील अनपघट्य पदार्थ, अवाष्पशील अनपघट्य पदार्थ, जैसे आप मान लीजिए कि विलेय इसमें रेत डाल दिए, ठीक है, तो रेत डालने पे इस विलयन का जितना भी यूनियन होगा उस यूनियन को हम बोलेंगे मोलल यूनियन स्थिरांक, समझ गए। अगर इस रेत को डालने से इस विलयन का यूनियन जितना भी होगा उसी यूनियन को बोलेंगे मोलल यूनियन स्थिरांक, समझ गए। आइए अब हम समझते हैं कि ग्राम अणुक यूनियन स्थिरांक क्या होते हैं, ठीक ना, आइए देख लेते हैं। तो ग्राम अणुक यूनियन स्थिरांक यानी कि 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का यूनियन विलयन का ग्राम अणुक यूनियन स्थिरांक कहलाता है। क्या बोलेंगे डेफिनेशन, कि 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का यूनियन विलयन का ग्राम अणुक यूनियन स्थिरांक कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें आपका क्या था, मोलर यूनियन स्थिरांक में आप 1 kg विलायक घोलते थे, लेकिन अगर यही आपसे बोल देगा ग्राम अणुक यूनियन स्थिरांक, तो इसमें क्या करेंगे आप 100 ग्राम खोलेंगे, कितना 100 ग्राम, 1 kg को काट के आपको क्या करना है 100 ग्राम विलायक लेना है, ठीक ना, और 100 ग्राम विलायक लेना है। उसके बाद क्या करना है, किसी अब मान लीजिए उसमें रेत डाल देंगे, तो उस रेत डालने के बाद जितना भी उस क्वथनांक का यूनियन होगा उसी हम यूनियन को बोलेंगे क्या, विलायक ग्राम अणुक यूनियन स्थिरांक, ठीक ना। आइए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन को भी हम परिभाषित करेंगे बहुत अच्छे से, और इसका फार्मूला भी हम देखेंगे कि हिमांक का अवनमन का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। तो आइए देख लेते हैं कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थों का अशुद्धि होने पर उस विलायक का हिमांक कम हो जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई एक शुद्ध विलायक है पानी, मान लीजिए पानी को आप अभी शुद्ध मानिए, ठीक ना, तो शुद्ध विलायक पानी है, और उस पानी में क्या करेंगे अवाष्पशील पदार्थ की अशुद्धि होने पर, ठीक ना, अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो पानी क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध हो जाएगा, तो उसी अशुद्धि को हम क्या बोलेंगे हिमांक कम हो जाएगा, ठीक ना, उसका हिमांक कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी शुद्ध विलायक का हिमांक सदैव विलयन के हिमांक से ऊंचा होता है, और विलायक और विलयन के हिमांक का हिमांक के अंतर को हम क्या बोलते हैं हिमांक का अवनमन यानी कि डेल्टा TF बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ से देखिए समझ जाएंगे अभी तुरंत, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 है और विलेय का हिमांक T है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए शुद्ध विलायक का हिमांक T0 है और विलयन का हिमांक T है, दोनों का यहाँ पे मैंने डिफरेंस अभी बताया था अंतर, तो T0 - T = हिमांक का अवनमन। यहाँ से देखिए इसी को ΔTF से डिनोट करते हैं, T0 - T को हम ΔTF से डिनोट करेंगे जो कि आपका हिमांक का अवनमन होगा, ठीक ना। एक चीज़ यहाँ से और यहाँ से मैंने पीछे अभी तुरंत बताया था, ये जो देखिए T0 - T जो होगा P0 - PS के सीधा समानुपाती होगा, और आप समझते हैं कि P0 - PS जो होता है विलेय के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है, और T0 - TS T जो होता है विलेय के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है।